This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन के अंदर। उस सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सेल में पिक्चर हैंडलिंग करना है। आज हमारा टास्क है एक हैंडलिंग करना है, एक पिक्चर बनाना जिसको एक्सेल के जरिए किस तरीके से हैंडल करते हैं। एक्सेल में पिक्चर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर आप लोग सही से और वे में यूज किए तो पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से हैंडलिंग हो सकती है। सर, अगर हमें पिक्चर हैंडलिंग सीखना है तो हम लोग फोटोशॉप एक्सेल पे क्यों करेंगे? हमारे पास जब इतने अच्छे अच्छे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फोटोशॉप हो गया, आपका कोरल ड्रॉ हो गया, और इससे भी अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, आप हमें एक्सेल में फोटोशॉप क्यों सिखाना, एक्सेल में फोटो एडिटिंग क्यों दिखाना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं ऐसा होता है जब आपको आगे चल के डैशबोर्ड बनाओगे, डैशबोर्ड का मतलब होता है एक ही लोकेशन पे सारी स्क्रीन रखनी है, आपको ग्राफ दिखाना है लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, इस ईयर का टर्नओवर कितना है, ऐसी छोटी छोटी आपको चीजें दिखानी है, तो आप उसमें पिक्चर की मदद ले सकते हैं। आपको कहीं लोगो लगाना है, कहीं पिक्चर लगानी, कोई एडिटिंग करनी है, क्रॉप करना है, डिजाइन करना है, स्टाइल करना है, वो सारा काम एक्सेल में आप अवेलेबल, बस आपकी थिंकिंग और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। पहला हमारा इंस्टॉलेशन के अंदर पिक्चर आती है। इस टॉपिक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पीसी में जहां भी कोई पिक्चर पड़ी होगी आप उस पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक करा और इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, ये एक पिक्चर आ गई। जैसे ये पिक्चर आएगी आपकी स्क्रीन में सबसे टॉप पे गिवन होगा फॉर्मेट, जिसमें अलग अलग चीजें गिवन होंगी। सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मेट गिवन है इस फॉर्मेट पे गिवन कीजिए और पिक्चर आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले जब भी पिक्चर को छोटा करना हो तो डायरेक्ट माउस पर पहले कंट्रोल दबाएं और फिर इसको क्रॉप छोटा करें, तो ये चारों तरफ से छोटी होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं पिक्चर को छोटा करने के लिए, वो खाली इस एरो को पकड़ते हैं और राइट से इसको छोटा कर देते हैं, तो पिक्चर ना एक तरफ से छोटी बड़ी हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि चारों तरफ से छोटी बड़ी पिक्चर हो तो आप कंट्रोल दबाकर पिक्चर को छोटा बड़ा करें, जिससे पिक्चर एकदम सही तरीके से आपकी क्रॉप भी होगी और छोटी सी दिख भी जाएगी। दूसरा, जैसे पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आएगी अब आपको यहाँ से मिलता है ब्राइटनेस, आप पिक्चर को अलग अलग कलर में दे सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके से एप्लीकेबल यहाँ कर सकते हैं। क्लियर है, ये पिक्चर आपको शो हो गई। साथ साथ अगर आप पिक्चर में कंट्रास्ट डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ कंट्रास्ट का यूज करना चाहते हैं जस्ट लाइक इस तरीके से, तो आप यहाँ पर अपना कंट्रास्ट भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कितना कंट्रास्ट डालेंगे। ठीक है, यहां से अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर आपको रीकलर करना है, कोई दोबारा कलर अप्लाई करना है, तो आप यहां से उसमें रीकलर भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां कर रहा हूं। आप किसी भी तरीके से कलर अप्लाई कर सकते हैं, कलर हो गया। उसके बाद अगर आप पिक्चर पर इसको दोबारा नो कलर करना चाहते हैं या मोर कलर चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी अपना एक कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी पिक्चर उसी शेड में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ साथ यहाँ पर आता है कंप्रेस पिक्चर। आपको बता दूं, अब अगर कल चलते चलते आपके डाटा में बहुत सारी पिक्चर आपको लिया, जैसे ये पिक्चर लिया, एक पिक्चर लाया, कैसे कंट्रोल बटन दबाया और पिक्चर को ड्रैग कर दिया, कंट्रोल बटन दबाया और पिक्चर को ड्रैग कर दिया, कंट्रोल बटन दबाया और पिक्चर को ड्रैग कर दिया, कंट्रोल बटन दबाया और पिक्चर को ड्रैग कर दिया। अब इसमें बहुत सारी पिक्चरें हो गई। हाँ मोहित, आईडी ठीक है, भेज दूँ दूसरी आईडी। ठीक है, यहाँ बहुत सारी पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर आने पर इनकी साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप चाहते हो कि इनका साइज कम हो जाए, तो कभी कभी पिक्चर में अनवांटेड स्पेस भी आ जाता है। अगर आप उस पिक्चर में से अनवांटेड स्पेस हटाना चाहते तो आपको यहाँ पर हर बार कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी अनवांटेड पिक्सल होंगे, अनवांटेड स्पेस होगा, वो उसको अपने आप हटा दे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी पिक्चर का साइज या आपकी फाइल का साइज बहुत बड़ा है और जब आप इसमें
क्लिक कर कर कंप्रेस पिक्चर करोगे तो वो आपका साइज को ठीक कर दे। तो इसलिए एक्सेल में इतना पता होना हम लोगों को जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है चेंज पिक्चर। अगर आप चाहते हो कि इस पिक्चर को चेंज करना चाहते, जैसे होता क्या है आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी इस पिक्चर पर, इस पिक्चर पर आपने अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, इसका बॉर्डर लगा दिया, पिक्चर शेप में डाल दी, ऐसी कई सारी फॉर्मेटिंग आपने इसके अंदर कर दी। अब आप चाहते हो कि मुझे खाली इसकी पिक्चर चेंज करनी है, इसकी जो मैंने फॉर्मेटिंग करी वो ना करें, तो यहाँ से आप चेंज पिक्चर कर सकते हो। जैसे आप चेंज पिक्चर करोगे आपकी फॉर्मेटिंग वही रहेगी, बस आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से पिक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ रीसेट पिक्चर, आपको लगता है ये पिक्चर खराब हो गई इसको रीसेट करें, तो आप इस पर रीसेट कर दो, जो पिक्चर एक्चुअल में थी वो पिक्चर आपको डिस्प्ले हो जाएगी, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है पिक्चर के अंदर वो आती है पिक्चर की स्टाइल। आपको जिस तरीके से पिक्चर को देखना आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको पिक्चर उसी तरीके में शो, जिस भी तरीके से आपको पिक्चर को देखना है आपको बस उसी तरीके से जाना है और पिक्चर में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको पिक्चर उसी शेड में और उसी वे में आपको पिक्चर यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर चले जाइए और यहाँ से पिक्चर अप्लाई कर दीजिए। आगे ये आपके सामने पिक्चर अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग, इसके बाद जो भी स्टाइल आपको समझ में आता है वो सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद आता है पिक्चर सेव। आप चाहते हो कि ये स्टाइल ये है लेकिन पिक्चर इस वाले आइकन में कन्वर्ट हो जाए, आप क्लिक करके इस वाले आइकन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो पिक्चर मेरी इस सर्कल में आ जाए तो इस सर्कल में आ जाएगी, ठीक है। पिक्चर को आपको इस शेप में करना है तो पिक्चर बॉर्डर वाले शेप में आ जाएगी, जिस भी शेप को आपको कंफर्टेबल लगता है आप पिक्चर को उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। एरो की शेप में आपकी पिक्चर एरो की शेप में हो जाएगी, जो भी आपकी शेप आपको पसंद है आप उस शेप के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पिक्चर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। साथ साथ आप पिक्चर के अंदर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल क्या रहेगा आप यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सर बॉर्डर जो भी देना है वो थोड़ा हैवी देना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर को हैवी दे सकते हैं। साथ साथ आप पिक्चर में और भी तरीके के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि लाइनिंग डैड डैश में जानी चाहिए, तो आप इस तरीके से वो भी कर सकते हैं। साथ साथ इफेक्ट पिक्चर, आपको पिक्चर का अलग अलग इफेक्ट में चाहिए तो यहाँ से आप पिक्चर को देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा है इसको उठा के यहाँ रख दिया और इस पर आप इफेक्ट दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से देखिए अलग अलग इफेक्ट आपको दिखेंगे पिक्चर के। साथ साथ यहाँ शेडो है, अगर आप पिक्चर को शेडो में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर शेडो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। पिक्चर को रिफ्लेक्शन देखना है तो पिक्चर का रिफ्लेक्शन बैक एंड में देख सकते हैं, देखिए आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे। ग्लो, अगर आप पिक्चर में थोड़ी सी ग्लो करना चाहते हैं तो आपको पिक्चर में यहाँ से ग्लो मिल जाएगा। सॉफ्ट एज, अगर आप इसका सॉफ्ट एज दिखाना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 3D फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D कोई सा भी आप इसको पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रंट टू, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग, जैसे बहुत सारी पिक्चर हैं ऐसी हैं एक के ऊपर एक पिक्चर है, आप चाहते हो ये वाली पिक्चर मुझे ये वाली पिक्चर टॉप पे चाहिए तो इसको क्लिक करो और ब्रिंग टू फ्रंट करो तो पिक्चर क्या होगी सबसे आगे आ जाएगी। इसी तरह सेंड टू बैक, ये पिक्चर सबसे पीछे जाएगी तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो पिक्चर वो सबसे आखिरी में चली जाएगी। सिलेक्शन पैनल, अगर आप एक बार में चार ही पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दो सिलेक्ट पैनल, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको जो पिक्चर देखनी है, आप चाहते हो कि मुझे पिक्चर नहीं देखनी वाली आप हटा दो, ये नहीं देखनी हटा दो, ये नहीं देखनी हटा दो, ये देखनी हटा दो, ये देखनी हटा दो, जो जो पिक्चर देखनी है आपके देख भी सकते हो उसको हटा भी सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फॉर्मेट में वो आता है अलाइन का। जैसे यहाँ पिक्चर बहुत सारी है अलग अलग फॉर्मेट में पड़ी है, आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, एक पिक्चर यहाँ है, एक पिक्चर आपकी यहाँ है, एक पिक्चर यहाँ, क्लियर। अब आपने चार पिक्चरों को सिलेक्ट करा,
आपकी चारों पिक्चरें सिलेक्ट हो गई। अब चारों पिक्चरें आपकी सिलेक्ट है, अलाइन पे कर देना, उससे अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, तो सारी पिक्चर सेंटर में हो जाएंगी, अलाइन टू लेफ्ट तो सारी पिक्चर लेफ्ट में चली जाएंगी। ठीक है, पिक्चर लेफ्ट में आ गई। अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल, तो आपकी पिक्चर हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। बस पिक्चर को सारे को सिलेक्ट कर लो एक साथ। ठीक है, ये आपकी पिक्चर सारी सिलेक्ट है। एक कंट्रोल 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 कंट्रोल, फॉर्मेट में गए, अलाइन पिक्चर पर क्लिक करा, डिस्ट्रीब्यूट पिक्चर, देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अलाइन टू वर्टिकल, तो आपकी पिक्चर वर्टिकल अलाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है, ठीक है, ये आपकी पिक्चरें होती हैं, क्लियर। इसमें एक टॉपिक होता है ग्रुपिंग का, नीचे आपको गिवन होगा ग्रुपिंग, अगर आप पिक्चर को ग्रुपिंग करना चाहते हो। अभी क्या होता है, एक पिक्चर को मूव कर रहा हूँ, बाकी पिक्चरें मूव नहीं हो रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग बना ली, मैंने इनको सिलेक्ट करा और इसको ग्रुपिंग कर दी, यहाँ गया ग्रुपिंग, अभी पिक्चर ग्रुप हो गई। अब जहां भी जाएंगी तो सारी पिक्चरें एक साथ ही जाएंगी। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ गया और ये ग्रुपिंग हो रही है पिक्चर की। अगर मैं जैसे ही पिक्चर की मूवमेंट करूंगा इधर से उधर, तो पूरी पिक्चर जाएगी, क्योंकि अभी ग्रुपिंग हो गई, यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका रेडियस बदलना है, 90 करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अगर आप इसको लेफ्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें आपको अप्लाई करनी जरूरी है। अगर पिक्चर को अनग्रुपिंग करना है तो यहाँ पर जाके अनग्रुप कर दो, पिक्चर फिर अनग्रुप हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद आता है पिक्चर में क्रॉप, अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है तो आप यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर को सिलेक्ट करा, क्रॉप पे गए और यहाँ से पिक्चर को आपने क्रॉप कर दिया, यहाँ पर गए आप पिक्चर को क्रॉप कर दिया, यहाँ गए पिक्चर को क्रॉप कर दिया। अगर आपको हाइट और विड्थ पता है कि आपको दो हाइट रखनी है और एक नीचे विड्थ रखनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पिक्चर उस तरीके से क्रॉप हो जाएगी। ये हमारा बेसिकली पार्ट था पिक्चर का। ये पिक्चर उस समय ज्यादा आपके लिए यूजेबल हो जाएंगे जब आप इस पे आगे चल के काम करोगे। मुझे कुछ भी बनाना होता है या अपने कोर्स बनाना होता है, तो मैं सबसे पहले पिक्चर की मदद लेता हूँ, एक्सेल पे जाता हूँ, पहले एक एरिया डिफाइन करता हूँ, और जैसे मुझे कभी भी एडवांस एक्सेल के लोगो बनाने होते हैं तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एडवांस एक्सेल, तो और यहीं से उन सारी चीजों को अप्लाई करता हूँ। कोई बैनर बनाना होता है यहाँ से बनाता हूँ। बस पिक्चरों को कॉपी करता रहता हूँ आगे, और बस पिक्चरों को लाता हूँ और फिर एडिटिंग करके उनको सही तरीके से रखता हूँ पिक्चरों को, फिर लोगो लगाना, साइन करना, ये सारे काम करता हूँ। पिक्चर आगे इसको सिलेक्ट करना, छोटे करना और यहाँ रख देना। ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है, अगर आपको कोई आर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे कार चाहिए, कार की कोई पिक्चर, यहाँ पर कार की पिक्चर आ जाएंगी, इस पर डबल क्लिक करोगे वो यहाँ आ जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर और भी कलेक्शन होते हैं, जैसे माई कलेक्शन, कोई आपके कलेक्शन है तो वो ले सकते हैं, वेब कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे ऑफिस कलेक्शन, आपने एनिमल कुछ लेना तो आप एनिमल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर एनिमल कलेक्शन जो भी होगा वो आ जाएगा आपका, तो आप इस तरीके से इनके कलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आपका इंसर्ट में आता है वो आती है शेप। अगर आपको कोई शेप चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर शेप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शेप भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है इंसर्ट के अंदर वो आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आप जानते हैं कि किसी चीज को अगर आपको बताना हो प्रोसेस के बारे में, तो हम उस समय स्मार्ट आर्ट लेते हैं। हम यहाँ गए और हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये वाला टॉपिक, जिस वन हमने कहा हम एक्सेल कोर्स कराते हैं। हमारा एक्सेल कोर्स में क्या होता है, एक्सेल होता है, साथ साथ बीबीए होता है, बीबीए और साथ साथ आपकी एक नया टॉपिक और हम कर देते हैं इसमें एक्सेस के होते हैं। उसके बाद इनकी अपनी अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसी आपको फॉर्मेटिंग पसंद हो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी कलर कहिए वो कलर ले लीजिए, तो इस तरीके से समझा सकते हैं। बहुत से लोग अपने कोर्स कंटेंट में इस स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं,
जैसे यहाँ पर देखिए हम इसी टॉपिक का यूज कर सकते हैं, ये रहा आपका स्मार्ट आर्ट, किसी प्रोसेस को समझाना है। मैंने कहा एक्सेल को यूज करना है, तो अगर आपको एक्सेल का कोर्स करना है तो हमारे पास एक्सेल में दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक नॉर्मल एक्सेल होता है, नॉर्मल एक्सेल, एक में आपका वीवीओ होता है। नॉर्मल एक्सेल में हम लोग होम टैब करवाते हैं, इंसर्ट टैब करवाते हैं, इंसर्ट टैब करवाने, इसमें हम खाली आपको मॉड्यूल बनवाते हैं। अगर आपको कोई नई चीज चाहिए तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक टॉपिक होता है ऐड टू शेप, आपको आफ्टर ऐड करना है तो यहाँ पर एक और नया चीज आ जाएगी। ऐड के साथ साथ हम लोग लेआउट भी सिखाते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लेआउट, पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट, तो लेआउट भी सिखा सकते हैं। आपने कहा मुझे होम के नीचे, मैं आपको होम के नीचे पेज स्पेशल भी सिखाता हूँ, तो राइट क्लिक कर एड टू शेप में जाके यहाँ बोल दो एड शेप अबव या एड शेप बिलो, यहाँ पर क्लिक करोगे होम का एक पार्ट आ जाएगा। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर पेज स्पेशल भी सिखाता हूँ, तो अब यहाँ पर पेज स्पेशल भी ले लेंगे कि हम क्या सिखाते हैं, पेज स्पेशल, पेज स्पेशल में हम पेज वैल्यू भी सिखाते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी अपनी एक शेप बना सकते हैं, क्लियर है। पेज लेआउट में हम लोग क्या कराते हैं, उसके बाद इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम जो भी इसका यूज करना है, हम उस तरीके से इसका यूज करके इसको एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इनका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है, देखने में कैसे दिखने चाहिए, इनकी जो कंटेंट हो कैसे दिखे, साथ साथ इनकी आउटलाइन कैसे हो, ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद इसका अपना डिजाइन है, आप यहाँ से अपना कोई डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं इनका, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का बेसिकली यही यूज होता है, आप इस तरीके से स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको? ठीक है, ये आपके स्मार्ट आर्ट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चार्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। चार्ट हम लोग अपने कल के सेशन में कंप्लीट स्टार्ट करेंगे चार्ट। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक होता है। मोहित लिंक सेंड तो कर दिया आपको, क्या मैसेज आ रहा है, मैसेज भेजो मुझे आप। मोहित आप क्लिक दोबारा ऑन करो, मैं आपको दोबारा एक आईडी भेज रहा हूँ, इस पर क्लिक करके चेक करो। ऑलरेडी एक नाम बंदा ऑलरेडी ज्वाइन है, वो क्लास कर रहा है, आपको मैंने लिंक भेजा है, आप इसको दोबारा एक्सेप्ट करो, खुलता है तो ठीक, नहीं तो आप मुझे दोबारा बताओ। कल ठीक है, मॉर्निंग अभी कर सकते हैं 8 बजे। चलो फिर कल मॉर्निंग में 6:30 बजे करना फिर, ठीक, ठीक है। आगे हमारा जो आता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बहुत ज्यादा यूज की जाती है। हाइपरलिंक में आपको खाली पेज से हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक क्या होता है, आपने यहाँ क्लिक करा और आपने कहा मुझे किसी और चीज से लिंक करना है, बस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ एड्रेस, जहां भी आपको लिंक करना है वहां टाइप कर सकते हो। आपने कहा मुझे दिस डॉक्यूमेंट में शीट 2 पर लिंक करना है, तो आपने शीट 2 को क्लिक कर दिया और लिंक, ये शीट 2 पर लिंक होगी। जैसे ही आप शीट 5 पे गड़ो, जैसे आप शीट इस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट शीट 2 पे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? शीट 2 पे। पता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग एक डैशबोर्ड बनाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें बना देते हैं, पिक्चरें बनाकर हम इनको कॉल कर देते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा शीट 1, शीट 1 इस पे क्लिक करो शीट 1 ओपन हो जाएगा। ऐसे हमने इस पिक्चर को आगे ड्रैग करा, फिर हमने एक पिक्चर को आगे और ड्रैग करा, एक पिक्चर को और ड्रैग करा और पिक्चर को ड्रैग कर दिया, कर दिया। और सब में से हमने 4 ही रखते हैं, किसी में हम 5 नहीं रखते। हमने 4 लिखा, शीट 1 पे खड़े हैं तो हम बोलते हैं शीट 2 को लिंक करना है तो इस पे क्लिक करो, शीट 2 पे खड़े हो तो शीट 3 पे लिंक करो, शीट 3 पे खड़े हो तो आप शीट 4 पे लिंक करो, और शीट 4 पे खड़े हो तो शीट 5 पे लिंक करो। क्लियर है? इसमें क्या हम किसी साइट को भी लिंक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। आपने सभी को कॉपी करा,
और आपने यहाँ जाके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दी पिक्चर। पिक्चर है यहाँ से, पिक्चर आ गई, यहाँ गए, यहाँ पिक्चर कर दी, यहाँ कर दी पिक्चर, यहाँ पिक्चर आपकी पेस्ट कर दी, हो गई पिक्चर पेस्ट। मैं टू पे गया, टू पे बोला पिक्चर वन को लिंक करना है, तो मैंने अब वन पे क्लिक कर दिया। पिक्चर थ्री पे मैंने बोल दिया कि अगर आपको पिक्चर वन के साथ साथ पिक्चर टू को लिंक करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। पिक्चर टू पे क्लिक करें, पिक्चर फोर पे बोल दिया कि पिक्चर थ्री को लिंक करें, पिक्चर वन टू, पिक्चर टू की जगह टू था यहाँ पे टू टू, पिक्चर थ्री, ठीक है। और यहाँ जाके बोल दिया वन टू, ओके। और इन सभी पिक्चरों पर लिंक कर दिया एक एक करके, थोड़ा लंबा प्रोसेस है हाइपर लिंक। इसको शीट टू से लिंक कर दिया, इसको शीट थ्री से लिंक कर दिया, इसको शीट फोर से लिंक कर दिया, इसको शीट फाइव से लिंक कर दिया, लिंक हो गया। ऐसे ही गया टू में, इसको लिंक कर दिया शीट वन से, इसको लिंक कर दिया शीट थ्री से, इसको लिंक कर दिया शीट फोर से, इसको लिंक कर दिया शीट फाइव से, ऐसी अलग अलग शीटों में अलग अलग शीट से जाके इसको लिंक कर दिया। इसका फायदा ये हो गया कि अब मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा कि ऑटोमेटिक लिंकिंग वहां पहुंच जाएगी। ऐसे सभी शीटों पर कॉमन लिंकिंग मैंने कर दी, लिंकिंग बन जाएगी। उसका बेनिफिट यह है कि आप अपने डैशबोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गई लिंकिंग, हो गई आपकी लिंकिंग। अब आपको करना क्या, बस जहां भी खड़े हो उस बटन पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे शीट टू पे आ गए, शीट वन पे जाना दोबारा क्लिक करो, शीट वन पे पहुंच गए। अब आपको शीट थ्री पे जाना, शीट थ्री पे चले जाओ, शीट फोर पे जाना है फोर पे, शीट फाइव पे जाना है फाइव पे, शीट टू पे आना है टू पे। तो देखो आपका लिंकिंग हो रही है, आप इस तरीके से मूव कर रहे हो। आप आगे चल के जब डैशबोर्ड बनाओगे तब आपको उसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो हाइपर लिंक का ये यूज होता है। दूसरा, यहाँ हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ मिलता है एग्जिस्टिंग फाइल फॉर बैक। आपने कहा कि मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूं गूगल तो गूगल पे गूगल खुल जाए, तो बस आपको हाइपर लिंक पर जाना है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ पर जो भी आपका साइट का नाम होता है google.com या .ini कॉपी करो और इस पर लिख दो क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आपका गूगल कॉम खुल जाए। आप कहते हो कि FB साइट खुल जाए, फेसबुक खुल जाए, तो बस आपको यहाँ पर लिख, अगर आप कोई ऐसे लिखते हो यहाँ पर आपने साइट का नाम लिख दिया www.facebook.com एंटर मार दिए तो उस साइट का नाम है। लेकिन अगर किसी वर्ड पे लिखोगे तो उस वर्ड पे ही जाएगी, जैसे क्लिक करोगे आपकी फेसबुक साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरी गवर्नमेंट की साइड ऑन, जीएसटी की साइड ऑन हो जाए, तो आप यहाँ पर जीएसटी क्लिक कर दो और हाइपरलिंक डाल दो, तो आपका www.facebook.com
gst.gov.in पे क्लिक कर दो, आपकी जीएसटी की साइट ऑन हो जाएगी। क्रेडिट इन होती है आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड है यहां से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो आप इस तरीके से हाइपरलिंक लगा के सीट को ऑन कर सकते हैं। ये तो हो गया सीट का। अब आता है क्रिएट डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई क्रिएट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, एड द न्यू डॉक्यूमेंट लेट, मैंने क्लिक करा और इसकी जो भी फाइल की लोकेशन है वो फाइल की लोकेशन मैंने बोली सीट है। आपको चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा माई कंप्यूटर मेरी सी ड्राइव में जाके बिजी बिन में एक फाइल में ओके करा मैंने, ठीक है ठीक है, डॉक्यूमेंट लेटर, और इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने बुक टू को लिंक कर दिया, लिंक हो गई, यहां क्लिक करा, यहां वर्ड टाइप कर दो, नाउ प्रोसीजर क्रिएटिंग ऑफ टाइप ऑफ रजिस्टर विद द सेल डू नॉट वांट टू क्रिएट एमपीडीएफ। देखिए आपने लिखा आपने फाइल, इस पे गए, आपने कहा मुझे एक फाइल ऑन करनी है, क्रिएट न्यू फाइल, वो फाइल जो लोकेशन है वो आपने सी टाइप की लोकेशन दे दी है, ठीक है, फाइल का नाम डाल दिया बुक वन, के लिए जो फाइल बने वो बुक नाम की या बुक टू के नाम से सेव हो जाए, बुक थ्री के नाम से, और आपने इस पर क्लिक कर दिया, लिखा एड न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, जैसे क्लिक करोगे यहाँ एक फाइल बन गई, और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक फाइल बन के आ जाएगी बुक थ्री के नाम से, हमेशा जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास हमेशा एक बुक थ्री नाम की सीट ओपन हो जाएगी। तो इसका बहुत से लोग यूज करते हैं, जब उनको फाइल ओपन करनी होती है तो वहां पर एक हाइपरलिंक बना लेते हैं और उस पर पिक्चर को क्लिक करते थे। एक होती है ईमेल आईडी, अगर आपको अपनी कंपनी में ईमेल आईडी का यूज करना है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को भी मेल आईडी करना चाहते हैं, मेल आईडी एड्रेस डालो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया advexcel01@gmail.com, कोई मैटर डालना डाल दीजिए, सब्जेक्ट और ओके कर दीजिए, चलिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आउटलुक ऑन हो जाएगा। मेरे पास अभी आउटलुक काफी दिन से यूज नहीं कर रहा, तो आउटलुक थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन में। देखिए आउटलुक ऑन हो गया, और यहाँ पर जिसको मेल करना चाहते हैं उसको मेल कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपकी मेल चले। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके पास इतना एरिया में काम हो गया और चाहते हैं इतनी एरिया को किसी को मेल करना है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इस फाइल को सेव नहीं करते, इस फाइल को डायरेक्ट मेल कर देते, क्या करते हैं वो सेंड पे जाते हैं और मेल, जितना उन्होंने एरिया सिलेक्ट करा है ना उतना एरिया उनका मेल हो जाता है। ये देखिए शीट ऑटोमेटिक ऐड हो गई, बस उनको ऐड करना। तो कभी आपको कोई चीज सेव सेल मेल करनी हो, आप चाहते हो फाइल में सेव करने की नीड नहीं है, तो आप फाइल को सेव मत करो, डायरेक्ट सेंड पे जाओ और ईमेल करो, तो बस आपके पीसी में आउटलुक होना चाहिए। यह आपका हाइपरलिंक का केस है। दूसरा हमारे पास जो हाइपरलिंक का यूज किया जाता है वो मैंने बताया भी था आपको, हाइपरलिंक जो यूज करते हैं वो लिंकिंग के लिए होता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा टॉप और आपको नीचे बॉटम में आना है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करिए हाइपरलिंक, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दीजिए, लेकिन पेस्ट एज अ हाइपरलिंक कीजिएगा, ना कि नॉर्मल पेज कीजिएगा, हाइपरलिंक। आप जब भी आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उस पर पहुंच जाओगे, इसी को कॉपी करके इसी पर पेज स्पेशल में जाके पेज एज हाइपरलिंक करो, दोनों लिंक हो गए। इस पर क्लिक करोगे तो टॉप, इस पर क्लिक करोगे तो बॉटम, इस पर क्लिक करोगे तो टॉप, इस पर क्लिक करोगे तो बॉटम, इस पर क्लिक करोगे टॉप, इस पर क्लिक करोगे तो बॉटम, क्लियर है। तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आगे आपको समझ में। ये आपका हाइपरलिंक था। हाइपरलिंक के बाद आपका टेक्स्ट टू कॉलम आता है। टेक्स्ट टू कॉलम का कोई खास यूज नहीं है, यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा, आपको दो भी लिखना है, दिस इज अ इमेज, दिस इज इमेज, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, क्लियर, एक बॉक्स बन जाता है। इसका ज्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है हेडर, यूजेबल चीज है, ये आपको बताना जरूरी। हेडर क्या होती है, जैसे आप किसी जब भी प्रिंट आउट निकालते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर हेडर और नीचे आपको फुटर मिलता है। हेडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ मिलता है पेज नंबर। अगर सपोज करो आपका 200 पेज फाइल निकली हो, आप चाहते हो हर नंबर पे आपका पेज नंबर है,
तो आप यहाँ क्लिक कर दो, जितनी आप जब भी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। आप चाहते हो बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 2, 4, 5, तो यहाँ पर क्लिक कर दो पेज नंबर, इसी के आगे बना दो पेज नंबर, जैसे आपने यहाँ लिखा नंबर ऑफ पेज, यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, जब भी आप आगे निकालोगे तो यहाँ पेज नंबर शो हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ क्लिक करा और इसके आगे एक और एंड लगा दिया, ये पिक्चर नंबर डाल दिया, लगा दिया, और जैसे ही आप इसको आगे चलेंगे या आएंगे तो ये बताएगा 1 to 4, आप यहाँ लिख दो 1 to 4 पेज, तो आपके यहाँ शो होगा पेज नंबर एंड नंबर ऑफ पेज। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ बताएगा पेज नंबर 1, शायद एंड गलत लगा दिया, पेज पेज नंबर 1 बता रहा है, क्लियर है। फिर यहाँ इस पे क्लिक करूं और नंबर ऑफ पेज पे क्लिक करूं तो हमें क्या बताएगा, एक एक से लेके 4 तक, नीचे आ जाओ 2 से लेके 4 तक, इसके बीच में शायद हमें 2 कैसे लगाना है ताकि यहाँ पर हमें शो कर दे 2, 1 to 4, 2, 2 to 4, 3 to 4 और 4 to 4, ठीक है, समझ में आया आपको। मैम जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट आउट का नाम लिखा आता है ना, 1 to 4, 2 to 4, 3 to 4 और 4 to 4, जितने पेपर होते हैं उनके आगे बस चल जाता है ये कौन से पेपर नंबर। तो आप उसको अप्लाई करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है हेडर पे, पेज नंबर पर जाना है और पेज नंबर को अप्लाई कर देना है, क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने टाइम भी शो हो जाए नीचे प्रिंट, बहुत से लोग फुटर के अंदर टाइम भी प्रिंट करवा दे, तो आपको करंट टाइम पे क्लिक कर देना, जो भी आपकी डेट होगी वो शो हो जाएगी। अगर आपको अपना टाइम निकालना है करंट टाइम पे क्लिक कर दीजिए तो आपका टाइम भी शो हो जाएगा। बहुत से लोग इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा स्पेस लिखते हैं और यहाँ टाइम डाल देते हैं, ठीक है, स्पेस करके करंट टाइम भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उनके डेट के साथ साथ टाइम भी मिल जाता है। तो इस तरीके से अपने हेडर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइल, अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, फाइल का पाथ देना चाहते हैं, यहाँ से फाइल का नेम रखना चाहते हैं, तो आपको जब भी इंटर मारोगे तो आपकी फाइल का पाथ और फाइल का नेम आ जाएगा। जैसे आपने हेडर पे क्लिक करा, आप चाहते हो कि मुझे अपनी फाइल का नेम चाहिए कि फाइल कौन सी लोकेशन पर सेफ है, तो बस आपको फाइल नेम पर क्लिक कर देना है, फाइल का नेम आगे पिवट टेबल। आप चाहते हो मुझे फाइल की लोकेशन मिल जाए, तो फाइल पाथ, तो जहाँ आपकी फाइल स्टोर होगी उसकी लोकेशन आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, क्लियर है। नीचे आपके पास और भी टॉपिक एक और आता है, शीट नंबर, आपकी शीट का नेम क्या है, तो आपकी जो भी शीट का नेम होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद कोई पिक्चर बैकएंड में लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हो, ठीक है, तो आपकी पिक्चर इस तरीके से शो हो जाएगी। साथ साथ हेडर के अंदर और जो हमारे पास बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है, पिक्चर को हटाना है तो यहाँ से आप रीसेट पिक्चर कर दीजिए, आपकी पिक्चर हट जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है गो टू फुटर, अगर आपको फुटर पे जाना है तो आप यहाँ से फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपने हेडर अप्लाई करा वैसे आपको फुटर अप्लाई करना है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। याद रखना फुटर 255 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं लेता। ये आज आपका इंसर्ट का टॉपिक मैंने अपनी तरफ से फिनिश करा दिया। इंसर्ट में वर्ड आर्ट होती है, अगर आपको कोई वर्ड लिखना है तो आप यहाँ से वर्ड में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अपने वर्ड के स्टाइल है, जैसे स्टाइल आपको पसंद हो आप वो स्टाइल में लिख सकते हैं, क्लियर। आपको कोई शेप ऐड करनी है तो आप ऐड शेप पे क्लिक कीजिए, आपकी शेप ऐड हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर जैसे ही आप पिक्चर में एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड शेप पे क्लिक करो, चेंज पिक्चर से चेंज हो जाएगी, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं, क्लियर। पिक्चर को मॉडिफाई या अलग कोई स्टाइल देना है तो आप यहाँ पर जाके कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म पर क्लिक कर इसको एडिटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई दूसरा कलर पसंद है तो आप यहाँ से कलर भी चुन सकते हैं, पिक्चर की आउटलाइन देना चाहते हैं आउटलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा मतलब जो भी आपको इफेक्टिव लगता है आप वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3D शेप में ज्यादा तो आपका वर्ड कुछ इस तरीके से सुन, क्लियर। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको फिनिश करने हैं। इसके बाद जो आपका आता है सिग्नेचर, अगर आप चाहते हो अपने फॉर्म के कोई सिग्नेचर लगाना तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। लास्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, जैसे आप इसी एक्सेल पर
अब वर्ड को खोलना चाहते हो, इसी एक्सेल पर किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो लोग गेम खेलते हैं एक्सेल पर। कैसे खेलते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो, जैसे आपने कहा मुझे अडोब रीडर चाहिए या मुझे बॉटम बिट मैप इमेज चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे इतने एरिया में आपका प्रिंटर खुल जाएगा। आपने यहाँ से कोई प्रिंटर अप्लाई करा, जैसे आपने यहाँ कलर अप्लाई कर दिया या आपने शेप अप्लाई कर दी, उसके अंदर फिल कलर कर दिया या जो भी कुछ करा, उसके बाद आपने यहाँ पेंसिल लेके ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ हो गया। उसके बाद इसको आप बैक जाओ, ठीक है, बैक कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया, वो देखिए यहाँ पर सब आ गया। इस पर दोबारा क्लिक करा, दोबारा आपने क्या करा, इसमें एक और पिक्चर इंसर्ट कर दी, आपने और दूसरी चीजें ऐड कर दी, यहाँ आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो सारी चीजें आपकी यहाँ आ गई जो आपने अप्लाई करी। ये सब क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू 2003 का मैप खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैप भी खोल सकते हैं 2003 का। बस आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, मैप पे आना है, यहाँ से आपको मैप मिल जाएगा, मैप ग्राफ चार्ट क्लिक करेंगे 2003 का जो ग्राफ चार्ट था वो खुल जाएगा आपके पास। इसमें वैल्यू को चेंज करो, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये आपका एक्सेल 2003 है। इस पर क्लिक करते हो खुल गया, बैक करते इस पे बटन आ गया, आप बैक आ जाओगे। आप यहीं से आप कोई प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हो, पावर पॉइंट खोलना चाहते हो, तो आप पावर पॉइंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका पावर पॉइंट खुल गया एक्सेल के अंदर। दूसरा, आप इसके अंदर जो भी आप स्लाइड या जो भी कुछ बनाओगे वो सारी आपकी यहाँ से बन जाएगी। आपने कहा मैंने यहाँ वर्ड लिखा एडवांस क्लियर, आपने इस पर क्लिक करा, आप चाहते हो इसकी वो देना इंस्टॉलेशन, इस पर जाकर आपने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से होगी। इस पर आप नीचे आ गए, ठीक है, यहाँ पे F5 से इसको ऑन करिए, ये देखिए इस पर अप्लाई कर दीजिए, जो आपके स्लाइड थी वो उस तरीके से आपको शो हो जाएगी। मतलब जो एक्चुअली में आपने पीवट टेबल पे आपने काम करा होगा वो आप काम कर सकते हैं पीवट टेबल पे। अगर आपको कोई ऑडिटिंग करनी हो इस पर क्लिक कीजिए, आपकी एक और पावर टेबल ऑन हो जाएगी और यहाँ से बना लीजिए जो भी जो आपको बनानी है, ठीक है। तो आप इसके अंदर एडिटिंग और वगैरह वगैरह जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत से लोगों को प्रेजेंटेशन बनानी होती है एक्सेल पर, तो यहाँ से प्रेजेंटेशन बना, जैसे आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर पिक्चर में गए और आपने यहाँ से इमेज इंसर्ट कर दी, इमेज इस पिक्चर में आ गई, उसके इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, आप चाहते हो कि आप इसका कलर इफेक्ट कर दिया, साथ से आर्टिस्ट भी दे दी कोई, ये अप्लाई कर दी, क्लियर है। उसके बाद आपने कहा इस पिक्चर को आपको देखना है, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके इस पिक्चर को एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगे आपको टॉपिक समझ में, ये ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। साथ साथ आपको कोई फाइल को लिंक करना है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर आपको लास्ट मिलता है क्रिएट फाइल। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है जैसे आप इस पर क्लिक कर दिया लिंक, ये आपका एक बन गया आइकन, यहाँ पर फाइल बन के आ जाएगी, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैं उसको क्लिक करूँ तो मेरी फाइल ऑन हो जाए, चाहे वर्ड की हो चाहे किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट की फाइल हो, ठीक है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको वर्ड की करनी है, किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है, तो आपको लिंक कर सकते हैं आप। अब ये क्या, जो फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ बार बार लिंकिंग है। आप कोई ऐसी फाइल सिलेक्ट करो जो लिंक ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे ममता नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, उसको उठा लेता हूँ, उठ गई, इसका लिंक बना दिया और डिस्प्ले करा दिया आइकन, यहाँ फाइल देखो आ गई। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी, तो उस चक्कर उस केस के लिए हम इस टॉपिक को यूज करते हैं। बस इस पर क्लिक करते हैं आपका लिंक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है आप दूसरी कर सकते हो, आप वर्ड की फाइल ऑन कर लो, जैसे मेरे पास ये वर्ड की फाइल पड़ी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, मैं यहाँ गया इस पे आया और फाइल को सिलेक्ट किया, फाइल में क्या ले लिया, वर्ड की फाइल ले लिया, ऑल फाइल सिलेक्ट करा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गया, जो मेरी वर्ड की फाइल पड़ी थी उसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, या लिंक टू डिस्प्ले एज आइकन ओके कर दिया,
एक यहाँ पर वो आइकन आ गया, बस जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा ये वर्ड वाली फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है आता है वो इसी के अंदर आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। क्लियर? आप चाहते हो कि यार एक नई फाइल बन जाए, अभी ये तो ये बनी बनाई है तो डिस्प्ले इन आइकन, तो देखिए इस तरीके का एक आइकन आ गया, ये आपका डिस्प्ले पे एक आइकन आ जाएगा, आ गया Adobe Reader का। जैसे क्लिक करोगे आपकी ये वाली फाइल ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। लास्ट आपके पास जो टॉपिक बचता है इंसर्ट स्लाइड के अंदर वो आपका सिंबल है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका सिंबल है, आपके पास जो भी फॉन्ट अप्लाई करो तो यहाँ से आपको सिंबल मिल जाएंगे। जैसे किसी को ये लेना है यहाँ से ले सकता है। क्लियर है? तो ये आपके बेसिकली आज हमारा इंसर्ट टॉपिक फिनिश हो गया। बस इंसर्ट में हमारे पास दो टॉपिक, एक पिवट टेबल की आपकी क्वेरी रह गई है और दूसरा चार्ट। कल हम पहले पिवट टेबल को फिनिश करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे अपने चार्ट पर। क्लियर? So